हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स भृंगराज के रिलेटेड आ रहे थे कि आपने तो भृंगराज का इतना सारा पैक बता दिया, भृंगराज को किस तरीके से स्टोर करना है बता दिया, किस तरीके से सुखाना है बता दिया, पर भृंगराज को लाए कहाँ से, इसके बीज कहाँ से मिलेंगे और इसको घर में हम किस तरीके से प्लांट कर सके। तो आज के एपिसोड में मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने घर के आंगन में किस तरीके से मैंने इतने सारे भृंगराज के पौधे को मैंने स्टोर कर लिया। और ये लाइव है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने इसको सुखा के स्टोर किया। तो ये सारे पौधे हैं, ज़िंदा है और ये हमेशा रहते हैं। मुझे जब लगता है तब मैं इसको निकाल लेती हूँ, इस्तेमाल कर लेती हूँ और ये फिर से उग जाते हैं। तो इसका सही प्रोसेस क्या है कि आपको साल भर भृंगराज, असली भृंगराज इस तरीके से मिल पाए। भृंगराज के काफ़ी सारे नाम होते हैं, जैसे भारत में इतने सारे लैंग्वेज है, इतने सारे जगह है, तो आपके एरिया में इसको किस नाम से पुकारा जाता है उसके लिए आप एक बार गूगल कर लो। जैसे इसको आयुर्वेद के संस्कृत में इसको भृंगराज भी कहा जाता है, इसको केशराज भी कहा जाता है, बंगाली में इसको केशुत्पाता कहा जाता है और इस तरीके से काफ़ी सारे इसके नाम है, जैसे भांगरा। तो इस तरीके से काफ़ी सारे केशुरी राज, इस तरीके से काफ़ी सारे इसके नाम है। तो आप चाहो तो एक बार गूगल कर लो कि आपके एरिया में किस नाम से पुकारा जाता है। हो सकता है कि आपने इसको देखा है अपने आसपास पर आपको पता नहीं है, आपने जंगली पौधा समझकर इसको निकाल दिया है। भृंगराज के इतने ज़्यादा हमारे बालों के ऊपर काम होता है, हमारे हेल्थ के ऊपर काम होता है, हमारी स्किन के ऊपर काम होता है। हालांकि बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि इसको इंटेक भी किया जाता है, एक सही एक पर्टिकुलर कुछ बीमारी में इसको खाया भी जाता है, एक पर्टिकुलर स्किन प्रॉब्लम में इसको स्किन पर भी अप्लाई किया जाता है। पर हम सब ज़्यादा बहुत ज़्यादा जानते हैं जो कि है कि इसको हम बालों में अप्लाई करें। तो बालों के लिए भृंगराज, जिसको कि संस्कृत में और आयुर्वेद में केशराज कहा गया है, तो आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जिसको आयुर्वेद में केशराज का नाम दिया गया है तो वो हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भृंगराज और केशराज ये एक तरीके का अमृत ही है हमारे बालों के लिए। आपके बालों का झड़ना रोकता है, आपके नए बाल उगाते हैं, इसमें एक नेचुरल काला रंग निकलता है जो कि आपके सफ़ेद बालों को काला करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो आपके एलोपेशिया अगर आना शुरू हुआ है तो उसको कंट्रोल करता है, गंजेपन से छुटकारा दिलाता है, डैंड्रफ से छुटकारा दिलाता है, स्प्लिट एंड से छुटकारा दिलाता है। मैं और कितना गिनवाऊँ, इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे एपिसोड आपको ऑलरेडी दे रखे हैं तो उसको आप देख सकते हो कि आपको किस किस प्रॉब्लम के लिए कैसे इसको इस्तेमाल करने है। तो चलिए अब मैं इसका आपको सही प्रोसेस बताती हूँ। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये भृंगराज का प्लांट है और इसमें से ये जो बीज है, यानी कि ये बिल्कुल हरा हुआ है, ये ताज़ा ताज़ा बीज है और इसके पास ये जो बीज अभी मेरे हाथों में, इसको आप देख पा रही हो, ये बिल्कुल काला है। तो आपको अगर कहीं भी ऐसा पौधा दिखे, अगर हो सके कि कोई भी प्रॉब्लम है कि आप घर नहीं ले पा रहे हो उसको, किसी और के घर पे है, किसी और के बगीचे पे है, तब इस तरीके से उसका बीज ला सकते हो। बीज ला के आप क्या करोगे, इस तरीके से जो गीली मिट्टी है ना, हमारे यहाँ बाय द वे महीने भर से बारिश हो रही है तो ऑलरेडी यह गीला ही है, पर अगर ऐसा नहीं है सिचुएशन तो आप मिट्टी को गीला कर लो। आप देख सकते हो सारी मिट्टी गीली है और ये जो बीज मैंने हाथों में लिया था उसको आप इस मिट्टी के अंदर छोड़ दो और इसको दबाना बबाना है नहीं, ये ऐसे भी उग जाते हैं अगर मिट्टी आपकी सही है। तो ये जिस तरीके से आप अभी देख रहे हो कि ये भी एक बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है, तो बिल्कुल ये जो हरे वाले बीज होते हैं इसमें से प्लांट्स निकलने के थोड़े कम चांसेस है और ये जो प्राकृतिक कारण से ही जो बहुत ज़्यादा सूख चुके हैं, बिल्कुल काले हो चुके। तो ये एक तो जैसे कि ये मेरा जो एरिया है, इधर मैं इनको अलग से इनको निकाल के बीज को निकाल के फेंकती नहीं हूँ, ये अपने आप ही सूख कर अपने आप ही गिर जाते हैं। इसलिए आप देख पा रहे हो कि ये एरिया पूरा का पूरा भृंगराज से भरा हुआ है। ये जैसे हरा बीज है, ये निकालने में भी दिक्कत है और आपको निकालना है भी नहीं, क्योंकि इसमें से प्लांट्स निकलने की इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसे सूखे बीज मिले तो आप इसको लेकर आओ, लेकर आके इस तरीके से आप जगह पे इसको स्टोर कर सकते हो, मिट्टी के अंदर इस तरीके से फेंक दो, एक दो दिन में आप इसको पानी दे दो। बस मेक श्योर करना है कि मिट्टी गीली रहे, बिल्कुल पानी पानी नहीं करना, क्योंकि इसके बीज जो है बिल्कुल कॉटन जैसा हल्का है तो ये कभी और भी उड़ के चला जाता है।
तो उतना मेक श्योर करना कि बीज वहीं रहे। जिनके पास भी इतने ज़्यादा प्लेस नहीं है, मिट्टी वगैरह का प्लेस नहीं है, आप मार्केट का जो पॉट आते हैं, जो टब आते हैं, उसमें आप इसको स्टोर कर सकते हो। कोई भी प्लास्टिक का बोल वगैरह है, नीचे से थोड़े से होल कर लो, क्योंकि पानी निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप इस तरीके से इसके बीज को लेकर इस तरीके से फेंक सकते हो, और ये थोड़े से टाइम लगते हैं। जैसे ये भी जो मेरा जो खेत मैंने बनाया है, ये मैंने इसके ऊपर जब मैंने पहली बार किया था, तो मैंने इसके ऊपर साल भर मेहनत किया, साल भर मैंने इसको तोड़ा नहीं, अच्छी तरीके से पकने दिया, तब जाके अभी ऐसा है कि मैं हर हफ्ते में इसको तोड़ सकती हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा हो चुका है। तो पहले पहले नहीं तोड़ना होता है। तो बीज का मैंने बता दिया, मैं आपको कुछ सारे बीज के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ऑनलाइन भी कुछ सारे बीज आप परचेस कर सकते हो। अभी ये जो आप देख रहे हो ना, ये छोटा सा पौधा है, तो अगर आपको कहीं भी ऐसा छोटा भृंगराज का पौधा दिख जाए, तो आप उसको निकाल के भी आप अपने घर में उसको अलग से स्टोर कर सकते हो, यानी कि अलग से उसको मिट्टी में गाड़ सकते हो, मिट्टी में उसको लगा सकते हो। तो कैसे आप इसको निकालोगे, ये बहुत ही नरम पौधा होता है, तो बहुत ज़्यादा इसके साथ जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप जो मिट्टी होता है उसको पानी से अच्छी तरीके से गीला कर लो, ताकि आप इस तरीके से जैसे कि मैंने बोला, हमारे यहाँ महीने भर से बारिश हो रही है, तो हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ही है, तो मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर अगर आप ऐसी जगह से ला रहे हो कि बहुत ज़्यादा सूखा है, तो थोड़ा सा उसको हिला हिला के इस तरीके से इसका बिल्कुल जड़ के साथ इस तरीके से छोटे छोटे पौधे को आप निकाल के आपको जहाँ चाहिए आपके घर में आप टब में लगा सकते हो, पॉट में लगा सकते हो, या मिट्टी में, जहाँ पर भी आपको दिल चाहे उधर आप लगा सकते हो, और ये हो जाएगा। इस पौधे को भी मैंने आखिर में लगा दिया था, क्योंकि बेकार में नहीं करना। इस तरीके से थोड़ा सा मिट्टी आप खोद लोगे, उसके अंदर जड़ को प्लेस करके मिट्टी फिर दबा दोगे, एक दो दिन में पानी देना, बस मेक श्योर इतना करना है कि पानी रहे। ये अगर आप सोचोगे कि हमें ये पौधे कहाँ मिलेंगे, तो थोड़े वो जो एरिया होता है ना, जहाँ थोड़े पॉन्ड होते हैं, तालाब होते हैं, थोड़े जलाशय होते, तो वैसे थोड़े जैसे ये एरिया देख लो, थोड़ा गीला गीला एरिया है, तो ये थोड़े से गीले एरिया में, थोड़े जलाशय में, तालाब के पास, इस तरीके से जगह पे होते, कई बार सूखे जगह में भी हो जाते, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपको लगे कि हम भृंगराज को किस तरीके से पहचाने देखकर, तो उसके लिए भी मेरे चैनल पे अलग से एक एपिसोड बना हुआ है, तो आप थोड़ा हेयर केयर का प्लेलिस्ट चेक कर लो, मैंने किस तरीके से भृंगराज को पहचानना है उसको भी मैंने बताया, मैंने किस तरीके से भृंगराज को आयुर्वेदिक तरीके से घर में सुखा के रखना है वो भी बता दिया, और काफ़ी सारे भृंगराज के ऊपर मेरे एपिसोड जाते रहते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, ट्रस्ट भी करते हो, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों को मेरी बात इतनी अच्छी लगती है भृंगराज के ऊपर, मैं कोई भी देती हूँ। तो अभी जैसे दे, तो इस तरीके से आप इनको लगा सकते हो अपने घर में, ये साल भर रहते, ठंड के टाइम में ये थोड़े सूख जाते, थोड़े इसमें से कुछ कुछ जगह में कीड़े लग जाते, तो उसके लिए आप सुखा कर इसको स्टोर कर सकते हो, उसका वीडियो अलग से आपको मिल जाएगा। तो मैं कुछ सारे बीज का ऑप्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। और लाइव प्लांट का ऑप्शन तो मैं दे नहीं पाऊंगी, मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि दी हमें आप प्लांट्स भेजो। मैं समझ सकती हूँ कि ये थोड़ी बचकानी बातें भी है, मैं कहाँ वेस्ट बंगाल में हूँ, आप कहाँ कहीं पर भी, आप चेन्नई से बोल रहे हो, आप बॉम्बे से बोल रहे हो, मैं कैसे रियल प्लांट्स को भेजूँ। पर मैं समझ सकती हूँ कि लोगों के पास नहीं है और लोग इसको शिद्दत से इस्तेमाल करना चाहते हैं, और तो क्या कर सकते, ये तो मैं नहीं भेज सकती, पर मैं बीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसमें से आप उसको परचेस कर सकते हो और उसको इसी सेम तरीके से आप इसको लगा सकते हो। अगर आपको लगे ना कि हम मार्केट से बीज ला रहे हैं, तो उसको क्या डायरेक्ट हम इस तरीके से रख दें, तो आप एक काम और कर सकते हो। हालांकि मैंने कभी भी मार्केट का बीज लाकर इस तरीके से पौधे में उसको कन्वर्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे अपने आसपास ही मिल जाते हैं। तो आप क्या करोगे, बीज को मिट्टी में डालने से पहले आधा एक घंटे के लिए आप थोड़े से उसको पानी में डाल के रख सकते हो, ताकि थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाए, और उसमें से जो भी स्प्राउट्स वगैरह अगर निकलना होता है, जो भी उसकी जड़ वगैरह निकलना होता है, थोड़ा सा इजी हो जाए। तो अब बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़े नाजुक होते हैं इसके जो बीज, तो ऐसा मत करना है कि बिल्कुल इसको सरा देना है। तो आप आधे एक घंटे के लिए थोड़े से पानी में डिप करके रखो, फिर इसको आप मिट्टी में डाल दो, और टाइम लगता है, देखो एक दो दिनों का काम नहीं है, कुछ आपको महीने भर लग जाएंगे इसको आपको रिजल्ट देखने के लिए, तो पेशेंसली करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो सारे सीड्स का लिंक आपको दे रही हूँ।
तो गाइस ये था आज का पूरा एपिसोड, आई होप कि आपको पसंद आएगा और बाकी सारे भृंगराज के एपिसोड की तरह आप इसको भी थोड़ा सा वायरल करोगे। और चलिए, और कोई बात है नहीं, भृंगराज से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हो और मैं उसको रिप्लाई कर दूंगी, और अगर कुछ डिटेल लगा तो मुझे उसके ऊपर मैं एपिसोड ला दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, मैंने जो सारे सीड्स की मैंने बात की तो कुछ सारे मैं इफेक्टिव मुझे जो अच्छे लगेंगे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, कोई भी प्रमोशन नहीं है और तो उससे आप उसको परचेज कर सकते हो। चलिए आज के एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे इस नए एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।